गाइज ये वाला वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हे गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं और मेरा छोटा भाई हम जा रहे हैं मंदिर, जो हमारे कुल देवी जी का मंदिर है वहां पर, और अभी हम घर से निकले हैं। कुछ ही दूर आने के बाद यहां से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो दिखाता हूं मैं आपको हमारे घर और हमारा गाँव कहाँ रह गया है नीचे। तो दोस्तों ये नीचे हम छोड़ कर आ गए हैं अपना गाँव, और ये हमारा गाँव यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। तो अभी मामू जी जा रहे हैं भेड़ बकरियों के साथ, और ये इतनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं, इनको चराने के लिए छोड़ा है। अभी दो दिन से मौसम ख़राब था, तो आज तीसरे दिन के बाद धूप निकली हुई है। आज हम जाएंगे यहाँ ऊपर हमारे मंदिर, जो कि यहाँ से दिखेगा ही नहीं, छोटा सा दिख रहा होगा, और यहाँ तक जाएंगे हम। रास्ते दो हैं हमारे पास, एक सामने जंगल से होकर और एक ये धार धार के ऊपर से, खाली खाली मतलब साफ साफ जगह से होकर। और हम जाएंगे अभी यहाँ वाले रास्ते से, और अगली बार जब हम मंदिर जाएंगे तो हम जाएंगे जंगल की तरफ से। तो चलो अभी चलते हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों आज तक मैंने कभी आपको अपना गांव नहीं घुमाया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कभी ना कभी कुछ ही दिनों में आपको गांव से भी रूबरू करवाऊंगा। तो यहाँ से अभी हम आए, और ये है रास्ता हमारा, साथ साथ में हमारे जो है पार वाली तरफ को है जंगल, और ये जंगल हमें हमारे साथ मंदिर तक लेकर जाएगा, मतलब जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक ये जंगल साथ है हमारे। तो इस साइड से हम चल रहे हैं और सामने की तरफ है जंगल। ये देवदार के पेड़ हैं, सदाबहार पेड़ होते हैं ये, तो मतलब सर्दियों में भी सूखते नहीं है। आजकल तो सूखा सूखा पड़ा है हर जगह, नहीं तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है, मतलब जैसे ही फूल वगैरह खिलते हैं, तो ये जगह जो है काफ़ी गजब की दिखती है। आजकल तो झाड़ियाँ भी सूखी हुई है, सब कुछ खेत भी खाली खाली है, सिर्फ हरे भरे जंगल हैं। इसमें सदाबहार पेड़ की वजह से ऐसे ही रहते हैं ये हमेशा 12 के 12 महीने, और कभी बसंत ऋतु में भी हम टूर करेंगे यहाँ ऊपर मंदिर की तरफ। इस साइड भी पेड़ है, वैसे देखा जाए तो हमारा पूरा एरिया ही जंगलों से भरा पड़ा है, बस जो लोगों की ज़मीनें वगैरह है, जो खेत वगैरह है, वही जगह खाली है, अदरवाइज सारा जंगल है। तो भाई थक के हो रहा है बुरा हाल, काफ़ी दूर से चलकर, खासकर चढ़ाई के ऊपर तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो अभी काफ़ी दूर पहुंच गए हम, यहाँ से नीचे आप देख सकते हो सब कुछ पीछे ही रह गया है, और अभी जहाँ पर पहुँचा हूँ वो ऐसी लोकेशन है कि यहाँ से हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। मैं जिस भी साइड को घूमूँगा सिर्फ जंगल दिखाई देगा, खाली हमारे नीचे वाली साइड घर की तरफ को छोड़कर बाकी हर कहीं जंगल ही जंगल है। तो ट्रैकिंग बिल्कुल मस्त है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आगे हम बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर बात करेंगे वहां पर, और देखते हैं वहां पर आजकल क्या हाल है, ऊपर ग्राउंड में बर्फ है या नहीं है, कुछ भी है तो चलो देखते हैं आगे।
इंसानों की जिंदगी में स्वर्ग का सफर करना वैसे भी कहां पर पॉसिबल है, तो चलो हम करवाते हैं आपको हमारे स्वर्ग का सफर। नाम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, कभी हमारा ट्रैक भी देखिए, तो चलो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी निकले हैं हम जंगल से बाहर। यहाँ पर लगभग जो है वो जंगल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर है खाली पहाड़ के ऊपर ट्रैक है, काफ़ी ज़्यादा सुकून है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है ये जो भी है। तो यहाँ से अभी मैं दिखाता हूँ, हमारी पहाड़ी भाषा में यहाँ पर बोलते हैं, हमारी चंपियाड़ी में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टिल्ला, और वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ से गज़ब का व्यू दिखता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है वहाँ से, और वहाँ से मैं पूरा दिखाता हूँ जितना भी दिखेगा। तो पहले वहाँ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं, फिर चलेंगे हम ऊपर मंदिर की तरफ। तो ये पहुंच गया मैं टिल्ले पर, और यहाँ से देख लो तो ये है कुछ गजब का और शानदार व्यू जो यहाँ से मैं दिखाने वाला था। इधर ये हमारा गांव जो है नीचे रह गया है और काफ़ी ऊपर आ गए हैं अब हम, और ये देखो हमारा जंगल, नीचे हमारे खेत जिसमें सरसों और गेहूं की फसलें हैं। तो ये है दोस्तों पत्थर की बनाई हुई यहाँ पर इस टिल्ले के ऊपर कुछ कुर्सियाँ, इस पर जब भी लोग भेड़ बकरियों के साथ आते हैं या जब भी यहाँ पर कोई पशु चराने आता है तो यहाँ पर बैठ के आनंद लेते हैं। टॉप के ऊपर ये जगह है और यहाँ से जो व्यू दिखता है और जो यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर इन कुर्सियों के ऊपर बैठकर आप तपस्या भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सुकून मिलेगा और शायद भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाए। बड़ी देर के बाद जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये ऊपर हमारे मंदिर बिल्कुल सामने है, लेकिन हम जाएंगे ग्राउंड से होकर, जो मैंने बताया था हमारे पीछे ग्राउंड है, और इतने दूर से हम भाई नीचे से आए इतनी खड़ी चढ़ाई लगाकर, लेकिन एकदम मस्त है यहाँ पर, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है और जो पहाड़ों में होता है एकदम बिल्कुल पीसफुल वातावरण है। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले का भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ जो है अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, मैंने बताया था नीचे भी कि शायद ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो सकता है। भाई गजब का प्लेस है ये, एकदम अभी तक बर्फ़ ख़त्म नहीं हुआ है, और अब बिल्कुल हम ग्राउंड के साइड में हैं और बिल्कुल हम ग्राउंड में एंटर करने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि कितनी बर्फ़ है और कैसा नज़ारा है, तो आओ मेरे पीछे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी बर्फ है, अभी तक मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, खत्म होने को आ जाएगा, लेकिन ये बर्फ जो है पिघलेगी नहीं। और मेरे पीछे जहाँ तक देखोगे आप हर तरफ बर्फ की बर्फ है। अभी तो हम ग्राउंड के स्टार्टिंग में पहुंचे हैं और मंदिर है हमारा ऊपर जहाँ हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से देखो यार बर्फ को सुकून से निहार लो, मैदान में बर्फ। दोस्तों यहाँ आकर तो सच में दिल ही खुश हो गया भाई, इतनी ज्यादा बर्फ मैंने सोचा नहीं था। हाँ मुझे उम्मीद थी कि शायद हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी इतना तो कभी सोचा ही नहीं था। अभी हम मंदिर जाएंगे, मंदिर हमारे पीछे है, लेकिन यहाँ से आप एक बार देख लो हमारे ग्राउंड में किस तरह से बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से और देखो आप।
तो शायद ही इतनी बर्फ कभी जो बाहर वाले लोग हैं उन्होंने देखी होगी कभी पहले। तो ये देखो इतनी ज्यादा बर्फ, कसम से बिल्कुल गजब का नजारा, एकदम मस्त दिख रहा है भाई ये। आगे जाकर दिखाऊंगा मैं आपको अभी, तो ब्लॉग होने वाला है लंबा। तो चलो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर अपना बनाएं और प्रेस करें बेल आइकन ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। गाइज ये वाला वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप यहां पर कभी भी विजिट कर सकते हो और अब तो हमारे पास यहाँ पर रहने के लिए जो है गेस्ट हाउस भी बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर ट्रैकिंग का सामान लेकर आते हो, टेंट वगैरह लेकर आते हो, तो ट्रैकिंग भी कर सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ऐसे भी रह सकते हो और गेस्ट हाउस में कोई स्टे करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। ये आपको बहुत ही नज़दीक का ट्रैक है, ये करीब सलोनी से जो हमारा मेन मार्केट है वहाँ से है 7 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र, गाड़ी लेकर आप कभी भी आ सकते हो। ये मेरे पीछे बिल्कुल नीचे सड़क है, यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क होगी एंड देन ये रहा हमारे पीछे मंदिर और ये रहा मेरे पीछे गेस्ट हाउस और ये रहा ग्राउंड जहाँ आप सुकून भरे पल बिता सकते हो। पीछे जो चोटी दिख रही है वहाँ पर है गढ़ माता ट्रैक, लेकिन वहाँ तो अभी जाना इम्पॉसिबल है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ होगी, पर यहाँ तक तो आप अभी भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हो, 4x4 गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी एंड आप स्टे भी कर सकते हो। ट्रैकिंग का आपके पास अगर सामान है फिर तो और भी बेस्ट है, आप यहाँ पर कहीं भी टेंट लगा कर बैठ सकते हो। मैगी खाने का मज़ा असल में ऐसी जगहों पर आता है। तो बादल आ चुके हैं और धूप जो है वो ढल चुकी है, बर्फ़ में चलने का मज़ा तो है लेकिन पैर में भाई जब जूते में बर्फ़ जाती है तो काफ़ी गीला हो जाता है काम। यहाँ से पहाड़ कितने गजब के दिख रहे हैं यार, सामने बर्फ़ है, बीच में खाली है और इस तरफ तो क्या ही बोले। अभी जो हूँ मैं हूँ भाई ग्राउंड के बिल्कुल बीच में और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि तालाब है जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है, एकदम गजब का पानी हो चुका है इसमें जाम, लेकिन सर्दियों में ऐसे ही होता है। तो ये जो हमारे पीछे ग्राउंड है यहाँ पर होता है जून के महीने में मेला, जो हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है वो यहाँ पर मनाया जाता है। कुछ क्लिप्स होंगे मेरे पास शायद पहले के या कुछ फ़ोटोज़, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो मैं वीडियो में डालूँगा, आपने देखना कि जून के महीने में किस तरह से सेलिब्रेशन होता है हमारे जो है मेले का। तो यहाँ पर हमारी जो पहाड़ी नाटी है जिसको घोरी बोलते हैं वो यहाँ पर लगाई जाती है, उसकी क्लिप अगर मेरे पास आएगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार यहाँ के बारे में कुछ भी जानने का कोई भी इच्छुक है तो यहाँ आओ, यहाँ पर घूमो, यहाँ पर रहो। आपको स्टे करने के लिए मैंने पहले ही बताया और अभी बताया कि गेस्ट हाउस भी बन चुका है। अगर आप ट्रैकिंग या कैंपिंग करना चाहते हो तो अपना सामान लेकर आइए और कहीं भी टेंट लगाकर मज़े से बैठ सकते हैं। और यहाँ से पीछे को भी काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है, जो हमारा गढ़ माता मंदिर है, अगर मौसम खुलता है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे सारा, लेकिन फ़िलहाल आज जो है हम यहाँ पर आए हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, घूमिए और नई नई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। यार अंग्रेज़ों के टाइम में पॉपुलर की हुई जगह है जैसे डलहौजी है, खजियार है, वो है, पर मुझे लगता है कि उससे भी अगर कुछ बेहतर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर सुकून है। खजियार में भी जाओगे तो यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा रश होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आज भी सिर्फ मैं और मेरा भाई, हम दो लोग हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक चिड़िया तक नहीं है, इतना सुकून है यहाँ पर, तो सोच लो।
तो यहाँ वो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी कितनी बर्फ़ है। तो यहाँ पर देखो आप कि कितना ज़्यादा बर्फ़ है अभी तक भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्फ़ की हाइट है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यार यहाँ पर। तो गाइस फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम जो है मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और अपने देवी जी का दर्शन करते हैं। तो अभी मैं हूं हमारे मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने। अभी हम यहां पर जूते उतारेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ है लेकिन फिर भी मंदिर में हमेशा जूते उतार कर ही जाया जाता है। और हमारी तो एक धार्मिक परंपरा है कि मंदिर और घर में, मतलब किचन जो होता है हमारा, उसमें हमेशा जूते उतार कर ही अंदर जाया जाता है। तो फाइनली माँ के दर्शन जो है हो चुके हैं, हम मंदिर से बाहर आ गए हैं अभी। और ये मंदिर जो है ना काफ़ी सालों पुराना मंदिर है। यहाँ पर तो इसकी जब रिपेयरिंग हुई है, ये तो हुई है 2005 में, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर मंदिर था जब मूर्ति प्रकट हुई थी। लेकिन हमारी कुल देवी जी का मंदिर यहाँ पर, ये जो है ये 2005 में बना है, जो पक्का मंदिर बना हुआ है। इससे पहले भी मंदिर था लेकिन वो था लकड़ी और पत्थर का मंदिर था। और अभी आप देख सकते हो कि पक्का मंदिर है। और हमेशा ना यार, जब भी इंसान को जब भी कोई तकलीफ में होता है तो हमेशा हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, हर किसी का अपना अपना विश्वास होता है। और हमारा विश्वास जो मेरा, खासकर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे जब भी कोई दुविधा होती है तो हमेशा हम किसके पास जाते हैं? अगर किसी को परेशानी है तो अपने दोस्त के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, और या तो अपने भगवान के पास जाकर माथा टेकेगा और बोलेगा कि भगवान मुझे ये दिक्कत है, आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी सहायता कर दो। तो उसी में से हर कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे वो करोड़पति होगा चाहे गरीब होगा, सबका ऐसा होता ही है। अब जो भगवान को नहीं मानते हैं उनकी बात अलग है, जो नास्तिक है उनकी बात अलग है, लेकिन जो धार्मिक इंसान है, जो धार्मिक लोग हैं, उनका हमेशा भगवान में विश्वास रहता है। और हमारा जो विश्वास है वो अटूट है। लोग यहाँ पर जो कुछ भी मांगते हैं, जब वो पूर्ण होता है तो लोग यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अगर किसी ने कुछ मांगा है वो पूरा होता है, उसकी इच्छा पूरी होती है, तो यहाँ पर चढ़ाते हैं एक त्रिशूल। मतलब जब माँ से कुछ मांगते हैं और वो पूरा होता है तो यहाँ पर चढ़ाते हैं त्रिशूल। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर उनके द्वारा चढ़ाए हुए, लोगों के चढ़ाए हुए त्रिशूल इतने सारे। और यहाँ पीछे भी कुछ ऐसा ही है, गजब का है मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से। और यहाँ का व्यू, ये गेस्ट हाउस जो मैं नीचे से दिखा रहा था वो ये देखिए। और मंदिर से दिखाता हूँ मैं नीचे का नज़ारा, जो ग्राउंड है हमारा जो यहाँ से दिखता है। तो देखो वो तालाब, ये ग्राउंड, सामने स्टेज। और भाई साहब यहाँ मैं एक बात बताऊँ, बर्फ़ इतना सख्त है ना, ये अगर ज़ोर से आप कूदोगे नहीं तो पैर धंसता नहीं है बर्फ़ के अंदर। यहाँ पर अगर स्केटिंग का सामान होता है तो स्केट भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब उतना काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बर्फ़ है ये, जो है एक जमा हुआ बर्फ़ जो होता है वो है। अभी भी ऊपर से बर्फबारी हो रही है। तो अभी हम जाने वाले हैं घर, तो यहाँ से आगे से दिखाता आपको यार, लेकिन आगे जा नहीं पाऊँगा मैं। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ पर हो सके तो विजिट कीजिए और देखिए, यहाँ को एक्सप्लोर कीजिए कि कितना मस्त है ये, कितनी गजब की जगह है। खासकर दिसंबर के महीने में यहाँ होती है बहुत ज़्यादा बर्फ, और जून जुलाई के महीने में यहाँ होती है बहुत ही ज़्यादा हरियाली। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।